नमस्कार, मैं नीति सैन, आप देख रहे हैं असल न्यूज। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियार का बड़ा जखीरा लेकर तस्कर अलीपुर इलाके से गुजरने वाले हैं। सूचना के बाद से स्पेशल स्टाफ की टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। 15 अगस्त के चलते दिल्ली पुलिस राजधानी दिल्ली में सक्रिय है, जिसके चलते बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों की बड़ी खेप अलीपुर थाना इलाके से होकर गुजरने वाली है, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ की टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस टीम का नेतृत्व ACP रिचपाल सिंह व इंस्पेक्टर रामस्वरूप मीणा कर रहे थे। इस टीम ने इलाके में ट्रैप लगाया और 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7 देसी पिस्टल, 1 पिस्टल व 18 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही आरोपी जिस बाइक पर आ रहे थे उस बाइक को भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल स्पेशल स्टाफ की टीम गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और यह पता लगाने में लगी है कि आखिरकार आरोपी इतनी बड़ी खेप किसके लिए लेकर आ रहे थे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार गैंगवार चल रही है। अब ऐसे में राजधानी दिल्ली पुलिस भी सक्रिय थी और किसी बड़ी वारदात को होने से पहले ही इन अवैध हथियारों को दबोच लिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से स्पेशल स्टाफ की टीम पूछताछ में जुटी है। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग इलीगल आर्म्स के साथ अलीपुर थाने के इलाके में आने वाले हैं, तो हमारी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया और उस इन्फॉर्मेशन डेवलप के तहत हमने कल रात को अलीपुर थाने के इलाके में स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ट्रैप लगाया। उस ट्रैप के दौरान हमने 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिनके नाम है, पहले का नाम है शाहरुख, दूसरे एक्यूज का नाम है तरुण और तीसरे का नाम है देवेश शर्मा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहरुख और तरुण की पहले, इन दोनों पर पहले भी एक एक मुकदमा है आर्म्स एक्ट का। तो जब इन तीनों की तलाशी ली गई तो इनके पास से हमें 1 पिस्टल, 7 देसी कट्टे और 18 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। इसमें हमारी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का जो स्पेशल स्टाफ है, ये मैं मानता हूँ कि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि हमारा 15 अगस्त भी बहुत नज़दीक है, उसको इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसी के साथ साथ हमारी इसमें टीम इन तीनों एक्यूज़ के ऊपर काम कर रही है और कहाँ से इन्होंने ये खरीद रहे हैं, सप्लायर कौन है, आगे क्या चेन है, इसके बारे में अभी पूरी जांच हम कर रही है हमारी टीम। जैसे कि आगे इसमें इंफॉर्मेशन जो लीड मिलेगी हम उसके ऊपर हमारी टीम काम करेगी और जो आगे की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा।